हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आएगा कि सर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज करना चाहिए। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि जब हमें हमारी कोई हैबिट बतानी हो, या फिर रूटीन बताना हो, या फिर शेड्यूल बताना हो हमारा, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताना हो यानी कि सनातन सत्य बात बतानी हो, तब हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना चाहिए। अब कैसे, वो तो जब एग्जांपल देखेंगे तब समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी ऐसे सेंटेंसेस जो कि पॉजिटिव हो, यानी जिसके अंदर नो नॉट जैसे नेगेटिव वर्ड्स यूज ना किए गए हो, उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूं। ठीक है, अब यहां पे आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूं, ये क्या बताता है? ये शेड्यूल या फिर बोल लो हैबिट बताता है हमारी। दूसरी एक और चीज ध्यान देने वाली है कि आई ड्रिंक टी, इसके अंदर ये जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब की जो एक्टिविटी है यानी कि पीता हूं, पी रहा हूं, पीऊंगा, यहाँ पे हमें एक्शन क्लियर नहीं है। एक्शन क्लियर नहीं है यानी ये जो पीने की एक्टिविटी है वो क्या खत्म हो चुकी है, क्या शुरू होने वाली है, क्या चल रही है, तो यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं है। आई ड्रिंक टी, ठीक है, यानी जब हम एक्टिविटी के बारे में कुछ बोल नहीं पाते कि ये एक्टिविटी कंटिन्यू है या होने वाली है या हो चुकी है, तब इसे हम इनडेफिनेट बोलते हैं। इसके कारण ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसे हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जो भी एक्टिविटी है वो हो चुकी है, होने वाली है, चल रही है, उसके बारे में हमें कुछ भी आइडिया होगा नहीं। यहाँ पे आई जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, ड्रिंक हो गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, टी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट है यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, यू हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। ये यू प्ले क्रिकेट क्या बताता है हमें? रूटीन बताता है कि हम हर रोज खेलते हैं। वापस से यू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे भी एक्टिविटी के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते कि एक्टिविटी चल रही है, होने वाली है या हो चुकी है, इनडेफिनेट है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है राम लिव्स इन हाउस। यहाँ पे राम हो गया सब्जेक्ट, लिव्स हो गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हाउस हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्या बताता है? ये शेड्यूल बताता है कि राम घर में रहता है, वो उसका शेड्यूल है। अब यहाँ पे वापस से ये सेंटेंस का अगर हम ट्रांसलेशन करें, राम लिव्स इन हाउस, तो वापस से एक्टिविटी के बारे में हम कुछ पता नहीं लगा सकते कि राम घर पे रह रहा है, रहने वाला है या रह चुका है। ठीक है, इसलिए इनडेफिनेट है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, लास्ट है सन राइजेज इन द ईस्ट। ये क्या हो गया? सूरज हमेशा ईस्ट में ही उगता है, सनातन सत्य हो गया यानी यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। वापस से यहाँ पे सन हो गया सब्जेक्ट, राइजेस हो गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ईस्ट हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हमें बताता है यूनिवर्सल ट्रुथ। अब यहाँ पे दूसरी एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे मेन वर्ब जो है यहाँ पे एस और ई एस लगाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने एस और ई एस का यूज किया है। ठीक है, ये दो चीज में लगाया नहीं है, ये दो चीज में यूज किया है। तो मेन वर्ब के साथ कब एस लगाए, कब ईएस लगाए और कब कुछ भी नहीं लगाए, सिर्फ मेन वर्ब रखे, तो उसके लिए ये वाला रूल हमें याद रखना है। ये रूल क्या बोलता है? हम मेन वर्ब को ईएस या फिर एस तभी लगाएंगे जब वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि यहां पे राम है, राम यानी हम दोनों के लिए राम क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया और सिंगुलर यानी एक वचन हो गया, तब हम एस और ईएस लगाएंगे मेन वर्ब के साथ। सन हमारे लिए, सन क्या हो गया? हम बात कर रहे हैं सन की, थर्ड पर्सन हो गया, सिंगुलर हो गया, तो एस और ई एस लगाएंगे। उसी तरीके से आई जो है मैं थर्ड पर्सन हूं नहीं आपके लिए, ठीक है, तो एस और ई एस आएगा नहीं। यू यानी हम दोनों बात कर रहे हैं, यू यानी आप भी थर्ड पर्सन हो नहीं, तो एस और ई एस नहीं आएगा। अब ये सारी चीज अच्छे से याद रखनी है, तो इसका कंस्ट्रक्शन याद रखना जरूरी है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, बाद में सब जो मेन वर्ब है उसके साथ एस और ई एस लगाना है, कब देख लिया अभी, और लास्ट में लगाना है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर नॉट प्रेजेंट हो, उसे नेगेटिव सेंटेंस बोल लेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब कौन से हो गए? डू हो गया, डज हो गया। ठीक है, अब डज कब लगाएंगे, ईएस वाला कब लगाएंगे? जब हम बात करेंगे किसकी, जब बात करेंगे थर्ड पार्टी सिंगुलर की, तब डज आएगा, बाकी डू लगा देंगे। जैसे कि हो गया आई डू नॉट रीड बुक, ठीक है, मैं बुक नहीं पढ़ता हूं, तो ये आई हो गया सब्जेक्ट,
डू हो गया हेल्पिंग वर्ब, और नॉट क्या बताता है, नॉट बताता है ये नेगेटिव सेंटेंस है, जब भी नेगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब लगाना जरूरी है। नेक्स्ट हो गया रीड, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बुक हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है शी डज नॉट ईट फूड, शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, डज हो गया हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे ईएस क्यों लगाया, क्योंकि शी हम दोनों के लिए शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ईएस यानी डस लगा लिया। नॉट क्या बताता है, नेगेटिव सेंटेंस है, जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ईट हो गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है यू डू नॉट क्राई, तो यहाँ पे यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये नॉट क्या बताता है, नेगेटिव सेंटेंस, जब भी नेगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यू के साथ डज आएगा नहीं, थर्ड पार्टी सिंगुलर है नहीं, और क्राई हो गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है राहुल डज नॉट रन, राहुल क्या हो गया हम दोनों के लिए थर्ड पार्टी सिंगुलर, तो ई डज आएगा, डज कब लगाएंगे, जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और रन हो गया हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये सारी चीज अच्छे से याद रखनी है हमें, तो ये कंस्ट्रक्शन याद रखना पड़ेगा, हमेशा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर आएगा नॉट नेगेटिव सेंटेंस का, फिर आएगा मेन वर्ब, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस जिसका आंसर यस या फिर हम नो में दे सकते हैं, तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए सारे एग्जाम्पल, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू करने से पहले एक चीज हमें याद रखना जरूरी है, कौन सी, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होंगे, डू डज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होंगे। फर्स्ट है डू यू राइट बुक्स, क्या आप बुक लिखते हो, हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं, तो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किससे चालू हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से चालू हुआ, क्यों डू लिखा, डस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है नहीं, इसलिए। यू क्या हो गया सब्जेक्ट, राइट हो गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट हमारा बुक हो गया। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा मार्क ऑफ इंट्रोग्रेशन, मार्क ऑफ इंट्रोग्रेशन लगाना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क को बोलते हैं मार्क ऑफ इंट्रोग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है डू यू ड्रिंक टी, वापस से किससे चालू हुआ, डू यानी हेल्पिंग वर्ब से चालू हुआ, यू हो गया सब्जेक्ट, ड्रिंक हो गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, डज शी, शी के साथ तो डज ही आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, डज शी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टीच यू, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट है डज हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राहुल के लिए डज आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्ले क्रिकेट, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब ये चीज अच्छे से याद रखनी है, तो इसका स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, कैसे, स्टार्टिंग किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से, फिर क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर क्या लगा देंगे, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। आखिरी टाइप देख लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस कि जिसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, जैसे कि मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप हाँ या ना में आंसर नहीं दे पाओगे, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी जरूरी है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, कौन सी, कि जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हमेशा किससे स्टार्ट होंगे, डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होंगे। डब्ल्यू एच फैमिली यानी क्या, जिसके आगे डब्ल्यू एच लगता हो, ऐसे वर्ड जैसे कि हो गया व्हाट हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया, होम हो गया, व्हाई हो गया, ठीक है, उससे ही हमेशा स्टार्ट होंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट हो गया वेयर डू यू लिव इन भोपाल, ठीक है, आप भोपाल में कहां रहते हो, तो डब्ल्यू एच फैमिली से चालू हुआ, यानी कि हो गया डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ही इसमें भी इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह, ठीक है। यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, यू के साथ डू आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है नहीं। डू यू लिव, लिव हो गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये हो गया भोपाल ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वापस से डब्ल्यू एच फैमिली से चालू हुआ, What do you eat in plate? What डब्ल्यू एच फैमिली, हेल्पिंग वर्ब लगाना जरूरी है, यू के साथ डू आएगा, ठीक है, ये हो गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है why, डब्ल्यू एच फैमिली से चालू हुआ, why does, हेल्पिंग वर्ब she, थर्ड पर्सन सिंगुलर, does आएगा, she हो गया सब्जेक्ट, cry हो गया हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मार्क ऑफ इंटोग्रेशन। आखिरी में when does राहुल watch TV, ठीक है, when डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू हुआ, डबल इंटोग्रेटिव सेंटेंस, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, does क्यों आया, क्योंकि राहुल आया हमारा सब्जेक्ट, वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वॉच हो गया हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टीवी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब ये सारी चीज अच्छे से याद रखनी है, तो यहां पे हमें कंस्ट्रक्शन याद रखना पड़ेगा,
हमेशा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे चालू होते हैं? WH फैमिली से। बाद में हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। बाद में मेन वर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।